हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 5:30 हो रहा है, एकदम मॉर्निंग आप देख सकते हैं। और अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं राजगीर के लिए, निकले हैं 4 बजे। लेकिन एक्चुअली उस टाइम वीडियो अच्छा नहीं आ रहा था तो हम शूट नहीं किए उसको, तो अभी सोचे अभी शूट कर लेते हैं। तो पटना से निकल चुके हैं राजगीर के लिए, और पटना से जो राजगीर का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 95 किलोमीटर है। तो चलते हैं बाईपास होते हुए, एकदम पटना से जस्ट बाईपास पकड़ी और सीधे राजगीर, मस्त रोड बना हुआ है। चलिए ले चलते हैं आपको, लेट्स गो। तो अभी हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं जो राजगीर का सफारी है, तो वहाँ तो ले चलते हैं आपको राजगीर के सफारी के पास। तो यहाँ सबसे पहले आपको बाइक पार्क करना होगा, जिसका चार्ज है 20 रुपया। तो बाइक पार्क करके फिर चलेंगे वहाँ गेट पे, और वहाँ से लेंगे अपना टिकट राजगीर सफारी में अंदर जाने का। सफारी के लिए जो टिकट मिलता है वो यहीं से मिलता है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं सफारी के लिए। सफारी का टिकट अगर आप ग्रास वाला लेते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा 200 का दो टिकट, मतलब एक टिकट 100 रुपये का लगता है। तो देख सकते हैं ये हमारा टिकट है सफारी का। अभी हम लोग यहाँ से सफारी में एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से जो व्हाइट वाला बिल्डिंग दिख रहा है आपको उसमें जाएंगे, और वहाँ से हम लोग को बस लेके जाएगी ग्रास वाले ब्रिज पर। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए ये अंदर का व्यू है। यहीं से हम लोग को बताया गया है कि आप जी व्हाइट वाला जो बिल्डिंग है वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको बस से लेके जाया जाएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं यहीं पे और फिर आगे देखते हैं कहाँ ले चलते हैं ये लोग बस से, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं। जब से ये सफारी स्टार्ट हुआ है यहाँ का राजगीर का, तो हम पहली बार आए हैं यहाँ से। ये अंदर का पूरा व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, अगर आप अंदर आके देखते हैं तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है अंदर का। और फिर यहाँ से बस लेके चलेंगे हम अभी, तो उधर का भी व्यूज़ दिखाएंगे आपको। यहाँ बहुत बड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रहा है, हम बिहार वाले हैं ना, जहाँ भी रहते हैं दिमाग लगाते रहते हैं। ये देखिए यहाँ से अभी चलेंगे अंदर और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ ले जाते हैं ये लोग, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता है कहाँ जाने वाले हैं अभी हम लोग फिलहाल। हम लोग जो एंट्री गेट के पास से जो टिकट लिए थे वो आपको सफारी के लिए था, तो वो आपको ग्लास ब्रिज तक ले जाएगा। अभी हम लोग जो टिकट लिए हैं वो जू सफारी का है, तो अभी यहाँ से एंट्री करेंगे और जू सफारी घूमेंगे, देखेंगे एनिमल्स जो भी होंगे। उसके बाद फिर जब हम उधर से निकलेंगे तो फिर जाएंगे हम ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज का अलग टिकट लगता है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, और आप अंदर का जो व्यू देखेंगे जहाँ से हम लोग को जू सफारी की तरफ जाना है, ये देखिए एकदम जस्ट बगल में पहाड़ है पूरा, और इधर ही जानवर मिलेंगे आपको देखने को, मस्त मस्त एकदम, मतलब बहुत मजा आने वाला है। अभी जब हम लोग जाएंगे सफारी, जू सफारी से, तो बहुत मजा आने वाला है अभी। जू सफारी के लिए उसका भी चार्ज अलग से लगेगा। वो भी देख सकते हैं, ये सब चार्जेबल नहीं है, आपकी ये टिकट में इंक्लूडेड है, ये फैसिलिटी दी गई है। सो प्लीज अभी आगे से राइट लेनी बस लगी, आप सबको दोनों को वेट करिए, जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू, चाय कीजिए। तो अगर आप जू सफारी का टिकट लेते हैं तो यहाँ और भी बहुत कुछ फ्री में है, 3D देख सकते हैं, बैठ के घुस के निकल जाइए, लगेगा कहीं जाके लड़ रहे हैं आप एकदम से, तो मजा आने वाला है अभी पूरा। चलते हैं, वैसे तो सफारी का मैं किया हुआ हूँ, वाल्मीकि नगर में गया था तो वहाँ किया था, लेकिन यहाँ का मजा लेते हैं। राजगीर का नया ओपन हुआ है, कुछ दिन हुआ ओपन हुआ, तो यहाँ मजा आने वाला है अभी एकदम।
अगर आप पूरा सफारी घूमना चाहते हैं, यानी ग्लास ब्रिज भी जाना चाहते हैं, जू सफारी भी जाना चाहते हैं, तो अप्रोक्स एक पर्सन पे, एक आदमी पे 400 के आसपास खर्च आएंगे। मतलब 400 रुपये के आसपास एक आदमी पे लगेगा पैसा। उसमें आप ग्लास ब्रिज भी घूम लेंगे और जू सफारी भी कर लेंगे, और एक जो एंट्री का होता है वो भी हो जाएगा, और 3D मूवी वगैरह दिखाते हैं वो भी आप देख लेंगे। तो टोटल चीज ये सफारी का कर लेंगे। यह है वेटिंग रूम। अगर आप आते हैं जू सफारी के लिए तो पहले यहाँ से टाइमिंग दे जाता है, क्योंकि जब बस जब रेडी होगी, वो सामने जो बस लगी हुई है, उसके बाद ही आप जाएंगे। तो यहाँ आप बैठ के वेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको बताया जाएगा कब बस रेडी हो गई, तब आपको जाना होगा। ये देखिए सामने जो बस लगी हुई है वही है। सफारी तो बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो अंदर का खूबसूरती बनाया गया है ना, अलग लेवल का है। आप अंदर आइए, आपको बहुत ही ये सब जो देखेंगे, बगल में पहाड़ हो, ऐसी बसें हो आर्मी कलर की, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिल को सुकून मिलता है। तो आप जब भी पटना के आसपास हैं, जरूर आइए, राजगीर का सफारी का मज़ा ज़रूर लीजिए। ये अभी बस रेडी हो चुकी है, क्योंकि 24 आदमी चाहिए तभी ये बस खुलेगी। तो 24 आदमी हो चुके हैं हम लोग बस में, और फिर घूमेंगे मस्त। सबसे पीछे हम ही बैठे हुए हैं, क्योंकि सबसे पीछे से दिखेगा तो अच्छा दिखेगा व्यू, क्योंकि बीच में वो एंगल आ जाता है ना बस का, इसलिए। अभी हम लोग लाइन वाले साइड में हैं, तो यहाँ आपको बस लाइन अभी दिखेंगे। देखिए पूरे रोड पे ही ये शो है। सीरियसली खतरनाक वाला मजा। ये जो गेट दिख रहा है आप, ये गेट सेंसर पे है, और दो गेट है। एक गेट खुलेगा तब दूसरा गेट बंद होगा, ताकि कोई जानवर पीछे से ना आए। भाई इनका अलग सीन चल रहा है, आप देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा अभी हम लोग घूम के आ चुके हैं। अब तो वीडियो को करते हैं यहीं पे द एंड। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राजगीर का ब्लॉग 3 पार्ट में आएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ग्लास ब्रिज का।